इस समय हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.9 क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 एम केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 एम केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.146 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस, ये देखिए 1500 ओम ये गिवन है, साथ ही साथ में आपको ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये देखिए, जो कि सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और आपको जो डिटरमाइन करना है वो क्या करना है, सेल कॉन्स्टेंट करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा रुकिए, पहले मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को बताऊं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंदी में सुने, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 एम केसीएल विलयन है, जिसका प्रतिरोध 1500 ओम है, यदि 0.01 एम केसीएल विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10³ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक की गणना करो। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, सेल स्थिरांक की गणना करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1500 ओम ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, और यहां पर 0.146 × 10³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी विशिष्ट चालकता है ये। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सेल स्थिरांक। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल स्थिरांक यानी कि सेल कांस्टेंट को मैं आपको बताता हूँ, ये सेल कांस्टेंट है क्या। ठीक है, इसकी छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेल कांस्टेंट को आप लोग इस तरह भी जानते हैं, देखिए यह सेल कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, अब यह सेल कांस्टेंट होता क्या है, तो देखिए किसी भी कंडक्टेंस सेल में, किसी भी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल एल है और किसी एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर स्मॉल ए है, तो इसके रेशियो को, इसके अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि किसी भी कंडक्टेंस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस अगर एल, स्मॉल एल है, और किसी एक इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर स्मॉल ए है, तो इसके रेशियो को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। देखिए किसी भी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी अगर स्मॉल एल है और किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ए है, तो इसके अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। लेकिन डियर, सेल कांस्टेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, इस कप्पा को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, और इस सी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी चालकता। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए कंडक्टेंस के साथ हम जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। विशिष्ट चालकता का निर्धारण करने के लिए चालकता के साथ हम जिस स्थिरांक का गुणा करते हैं उस स्थिरांक को हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, तो डियर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा याद रखिए कि कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप। क्या आप जानते हैं सी इक्वल टू वन अपॉन आर होता है, तो आप क्या करोगे, इस सी की जगह वन अपॉन आर लिख दोगे,
तो आपने यहाँ वन अपॉन आर लिख दिया। जैसा कि आपको पता है कि हमको निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट, तो एल अपॉन ए को हम यही रहने देंगे और वन अपॉन आर को जब हम उधर लेके जाएंगे यानी आर को उधर ले जाएंगे तो ये आर इस कप्पा के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। तो अब हमको एल अपॉन ए सेल कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा कप्पा इंटू आर, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस, विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता दे रखी है वो 0.146 इंटू 10^-3 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स दी हुई है। और वैसे भी आपको पता है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सीमन्स को हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता होती है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। और रेजिस्टेंस आर ये भी आपको 1500 ओम दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए 1500 ओम ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 0.146 इंटू 10^-3 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता दी हुई है। बस अब करना क्या है, ये सुंदर सा आपके पास फार्मूला है, इसमें आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए कप्पा की जगह इस वैल्यू को रखते हैं हम, ये रख दिया। आर की जगह इस वैल्यू को रख दो, ये रख दिया। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर हमें आंसर मिल जाएगा क्या, एल अपॉन ए यानी सेल कॉन्स्टेंट मिल जाएगा कितना, 0.219। ठीक है, तो ये जो आंसर है एल अपॉन ए इक्वल टू 0.219, इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अब क्यों होगा, तो आपको पता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये इसकी यूनिट है, ओम इसकी यूनिट है। अब सीमेंस को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है ओम इनवर्स लिख सकते हो, और ये ओम है तो इस ओम इनवर्स से ये ओम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये बचा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा इस क्वेश्चन को करने का तरीका इस फार्मूले से, जानते हैं ये फार्मूला आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत यूजफुल है, आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। कंडक्टेंस आ जाए, चालकता आ जाए तो भी यूज कर सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, NCERT 3.11। इस क्वेश्चन में आप देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 mm एसिटिक एसिड इज 7.896 × 10^-5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी एंड इफ मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको मैं पहले एक बात बताऊं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है थ्री फार्मूला आपके सामने गिवन है, आपको उन्होंने कहा कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अब किसका निकालना है, एसिड का, तो आप यहां पर ए लिख सकते हो, के ए। तो कहने का मीन ये है कि आपको यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना है, तो के निकालने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी तो नेचुरल है आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये मोलार कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी एंड मोलार कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन, ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको मोलार कंडक्टेंस इन्फिनाइट डिल्यूजन पर तो गिवन है, मगर लेमडा एम आपको गिवन नहीं है, तो लेमडा एम निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो लेमडा एम इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन मोलारिटी यानी एम होता है। आपने देखा कि अगर आप डिसीजन कॉन्स्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, और इस लेमडा एम को निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन में एक बार बोल दूं, क्वेश्चन सुनिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स।
0.00241 m, एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻³ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता का मान 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो इसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, वियोजन स्थिरांक को हम बोलते हैं के, इसको निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब वियोजन की मात्रा यानी अल्फा निकालने के लिए हमको लैम्डा इन्फिनिटी तो दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए ये दिया हुआ है, मगर ये नहीं दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए हमको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ये देखिए। तो अब समझ में आ गया, यानी इसको निकालने के लिए पहले हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक डियर, चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर को। अब देखिए, ये हमारे पास ये लेमडा एम सी यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन, आप सी लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। अब ये लेमडा एम इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन एम, ये होता है, ठीक है। अब आपको पता है 1000 आपने ऐसा कैसे लिख लिया। अब ये जो कप्पा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता, जो कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखी है। ये देखिए, ये देखिए 7.896 × 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता होती है। इसको हम लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर इस कप्पा की जगह पर। तो 1000 ऐसा कैसे, इस कप्पा की जगह पर हमने इस वैल्यू को लिख दिया। अब ये एम जो है मोलारिटी है, क्या डियर, ये मोलारिटी, और ये मोलारिटी क्वेश्चन हमको गिवन है, ये देखिए 0.00241 m, ये देखिए मोल पर लीटर, ये यानी मोलारिटी, इसी को हम एम बोलते हैं। तो बस इस एम की जगह इसको लिख दो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना आंसर आएगा 32.76, ठीक है। तो 32.76 जो वैल्यू है ये किसकी है, लेमडा एम की वैल्यू है। अब आपको निकालना क्या है, लेमडा एम तो निकल गया आपका 32.76, अब आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला जरूरत पड़ता है, तो लेमडा एम सी अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। आप एक काम करो डियर, लेमडा एम सी ये जो 32.76 है इसको ऐसा कैसे लिख लिया, लेमडा एम इन्फिनिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वही है, ये देखिए इन्फिनाइट डिवीजन पर मोलर कंडक्टेंस, बस इसकी वैल्यू इतनी रख दो। तो ये देखिए हमने इस वैल्यू को रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8.4 × 10⁻²। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.084, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये माइनस से पावर है, इस माइनस से पावर को अगर आपको ख़त्म करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, यानी 1 देयर इज़ अ 2, तो ये आ जाएगा, पावर चली जाएगी। चलिए अब आपको अल्फा यहाँ से मिल चुका है, अब आपको डिसीजन कॉन्स्टेंट के निकालने के लिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - α। अब सी यानी कंसंट्रेशन तो आपको दे रखी थी, वही जहाँ एम लिखा हुआ था, ये देखिए एम, इस एम को ही हम मोल पर लीटर यानी कि कंसंट्रेशन, और इसी को मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यही सी की जगह इसको लिख लेंगे हम। तो देखिए हमने सी की जगह इसको लिख लिया, अब अल्फा की वैल्यू 0.084 ये लिखकर स्क्वायर लगा दिया, फिर 1 - α, अल्फा की जगह फिर से हमने यही वैल्यू लिख ली जो हमको गिवन है, ये लिख लिया। अब आपको पता है 1 में से जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो इतना आएगा 0.916, ठीक है, और इसका स्क्वायर करने पर इतना आएगा, कर लिया। अब आपने क्या किया, सुनिए, जब आपको थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हटाकर 1, 2, 3, 4, 5, 10⁵ नीचे आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाओगे तो 10⁻³ ऊपर 3 चला जाएगा, फिर पॉइंट इधर तो 10⁻³, तो 3 से 3 कैंसिल, नीचे बचेगा 10⁵, और ऊपर क्या बचेगा 241 × 7 / 916। इसमें यानी इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा 1687, और ये 916 ऐसा कैसे रहेगा, ये पावर जो थी प्लस में ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस में, ये माइनस में हो गई। अब 1687 में जब 916 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 1.84, और पावर तो ही आ गए × 10⁻⁵। तो डियर ये आंसर है, ध्यान रखिएगा, यही एक्चुअल आंसर है, क्या है, 1.84 × 10⁻⁵, ये आंसर आ गया। देखा आपने, ये क्वेश्चन आपने इसको सिंपल
कर लिया। अब ये स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है 3.12। ये भी एक्सरसाइज का 3.12 है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से, ये देख लीजिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डियर परेशान मत होइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें यह करना है, 1 mole L3+ को आपको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, 1 mole of C2+ को आपको कॉपर में कन्वर्ट करना है, 1 mole of MnO4- को आपको Mn2+ में कन्वर्ट करना है। बस सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो नेचुरली क्या होगा, पहले आप एल्यूमिनियम 3+ लिखेंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये बन जाएगा। अब आपको पता है 1 electron = 1 farad होता है, तो यहाँ पर 3 electron = 3 farad, ठीक है, ये 3 farad हो गया, ठीक है। और आपको पता है 1 farad की वैल्यू क्या होती है, 96500 होती है, तो आप 96500 की मल्टीप्लिकेशन 3 में कर दो, ये आपने 3 multiply कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। बस ये आंसर हो गया। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन को देखिए, जैसे 1 mole of C2+ को आपको CU में कन्वर्ट करना है, तो पहले C2+ आपने लिख लिया, अब कन्वर्ट CU में करना है तो एरो किस तरफ, CU लिख दो, अब 2 electron इसको दे दोगे तो नेचुरल CU में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो 2 electron है तो 2 farad है, यहाँ पर 1 farad में 96500 होता है, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के बाद ये क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करेगा। अब देखिए है बहुत इजी, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। देखो पहले आप इसको लिख लो, ये देखिए ऐसे लिख लीजिए MnO4-, फिर इधर ज़्यादा गेप दे करके इधर एरो मार दो, एरो मार दिया, अब इस तरफ लिख लो Mn2+, तो आपने यहाँ पर ये Mn2+ इस तरह से लिख लिया, लिख लिया। अब क्या करेंगे सुनो, अब सबसे पहले इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 4 oxygen है, मगर इधर तो है ही नहीं, तो याद रखो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल को एडिशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। अब देखिए इधर 4 oxygen है, तो हमने यहाँ पर 4H2O ऐड कर दिया, ये देखो इधर भी 4 oxygen हो जाएंगे, इधर भी 4 oxygen हो गए। अब सुनो लेकिन इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये देखिए 4 to 8, तो इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 8H+ का यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पर 8H+ का यूज़ कर किया, क्योंकि आपको पता है कि इस तरफ अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है, आपको इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो आपको H+ का यूज़ करना पड़ेगा, 4 to 8 यानी कि 8H+। अब देखिए यहाँ पर MN बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, मगर चार्ज बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर देखिए 2+ है, और इधर देखिए कितना, इधर 8 है और इधर कितना, 1, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, कितना बचा डियर, 7, अभी भी 7+ है, और अपन करना कितना चार्ज, अपन करना है यहाँ पर 2+ करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 5 electron ऐड कर देंगे, तो चलो 5 electron आपने इसमें ऐड कर दिए, तो 7 में से 5 अगर जाएंगे तो नेचुरली 2 electron बचेंगे, है ना, 2+, इधर भी 2+ हो जाएगा, इधर भी 2+ हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ मैं, देखो बड़े आराम से, देखिए आपके पास अभी क्या था, इसको देखिए आपके पास अभी ये था, आपको पता है ये 8+ है और ये 1-, है, इस 8 में से 1 गया तो 7+ बचा, आपको पता है इधर 2+ है तो इधर भी 2+ करना है, तो उसके लिए इस 7 में से 5 electron को सबट्रैक्ट करेंगे, 5 electron को घटा देंगे, तो 5 electron हमने घटा दिए, अब इधर भी 2+ हो जाएगा, किस पर, इधर, इधर भी 2+ बचेगा, उधर भी 2+ बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना था, उसी को हमको लाना था, वो आ चुका है, तो देखिए यहाँ 5 electron है, इसका मतलब 5 farad होंगे, तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पहले ये रिएक्शन को आपको दिखाना पड़ेगा उस सामने वाले को, फिर आपको 5F farad लिखना पड़ेगा,
वन फेराडे में 96500 होते हैं, ठीक है, यहाँ एफ की जगह रखकर मल्टीप्लाई कर देना और ये 482500 कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, इस समय हमारे सामने है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.13 क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फिर से सुनिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। सेकेंड है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले हिंदी में मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूं। निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। पहला, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम, गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है, देखिए आप लोग भी समझिए, यहाँ पर 20 ग्राम मोल्टन CaCl2 से हमको कितने ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन होंगे और मोल्टन Al2O3 के 40 ग्राम से हमको कितने एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो गए, ठीक है, समझ में आ गया, यस। और ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये होता है कि सुनिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी को फेराडे में कैलकुलेट करना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी फेराडे में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस CaCl2 को लेते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव बनता है, ठीक। इस Ca2 पॉजिटिव को हम लाते हैं, इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमको कैल्शियम मिल जाएगा, तो हमें इसी की बात करना है, ठीक है, मोल्टन CaCl2 से हमको कैल्शियम, ठीक है, ऑब्टेन करना है, हमने कर लिया। अब आप देखिए इस Ca2 पॉजिटिव से जब आपने कैल्शियम बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2, यानी है कि हाँ कितने फेराडे हो जाएंगे, 2 फेराडे, याद रखना आप कितने फेराडे हो जाएंगे डियर, यहाँ पर 2 फेराडे। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 मोल कैल्शियम में जो क्वांटिटी होती है वो 40 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास इसका 40 होता है, तो 40 ग्राम ही होगा, तो 1 मोल CA में 40 ग्राम क्या इसकी क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, लेकिन आपको पता है कि 40 ग्राम जो क्वांटिटी आई है यहाँ पर, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी 2 फेराडे, यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम को रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 2 फेराडे, ये 2 फेराडे। मगर हमको कैलकुलेट किस में करना है, 20 ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे 20 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू, तो मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ये 2 फेराडे तो ऐसा कैसे हमने लिख दिया। अब जिसकी बात होती है ना, 20 ग्राम की बात हो रही है, तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई, और पहले जो था उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, डिवाइड में लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 से 0, 2 2 जब 4, फिर इसको काट दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 फेराडे, तो इसका आंसर आ जाएगा डियर 1 फेराडे। इसी तरह से ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये जो Al2O3 है इसको आप हीट करते हो तो ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है, तो 2Al3 पॉजिटिव आ गया। और केमिस्ट्री में आपको बात पता ही है, जानते हैं आप कि जब भी बात होती है हम हमेशा 1 मोल आयन, 1 मोल एटम की ही बात करते हैं, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर 1 मोल एल्यूमिनियम 3+, तो 2Al3+ ना लेकर हम क्या लेंगे, 1 मोल ही लेते हैं, यानी Al3+।
अब इस एल थ्री प्लस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर कितने फेराडे आ गए, 3 फेराडे हमको यहाँ पर मिल गए। अब आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, इसका मतलब ये निकला कि 1 मोल एल्यूमिनियम में 27 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम में 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में भी 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है ना। तो देखो हमने लिख दिया 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 3 फेराडे। लेकिन डियर हमको निकालना किस में है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा 40 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर से वही कि 3 फेराडे पहले था, हम बात 40 की कर रहे हैं तो 40 का होगा मल्टीप्लाई, और जो पहले था वो हमेशा आएगा कहाँ, डिवाइड में, ये देखिए डिवाइड में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे डियर आप, तो इसका आंसर आएगा 4.4 फेराडे। कितना आएगा डियर इसका आंसर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4.4 फेराडे, ये डियर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।